वट्स अप पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं इसमें मी हम जैन यू आर वॉचिंग एच टी रेट्स वेलकम बैक टू चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खरीय से होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और जिस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान में लग गई मोदी जिंदाबाद के नारे तो आबिद भाई जैसा कोई होगा जला जो कि मोदी साहब का फ़ैन होगा हमें याद है हमने जब आबिद भाई का वीडियो देखा था रियल एंटरटेनमेंट चैनल से तो उसमें भी बड़े ज़िंदाबाद के नारे लगा दिए थे उसके बाद वो बड़े फेमस भी हुए अब वो रेगुलर बेस पे श्वेब चौधरी की वीडियोस में आते भी हैं वो सारी व्यूज़ की गेम भी है हम इतना तो समझते हैं बाकी देखते हैं आप कहाँ लगे हैं क्योंकि एक होता है प्री प्लान तरीके से नारा लगाना और एक होता है नेचुरली लोगों का ना क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो लोग फिर बात करते हैं तो हम वीडियो देख लेते हैं फिर बातें करेंगे शुरू करते हैं थ्री, वन, नेन। नमस्ते दोस्तों दोस्तों जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद के नारे सुनकर कितना जला भुना बैठा है पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो आज हर एक पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है दूसरी तरफ साल के शुरू होते ही तमाम स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती है ये परीक्षाएं ही छात्रों के भविष्य की दशा और दिशा तय करती है इसीलिए परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में डर तनाव भय और ढेर सारी घबराहट होती है जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आज तो यानी तो उनतीस जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह ग्यारह बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तय समय यानी सुबह ग्यारह बजे भारत मंडपम में पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज को देखा फिर भारत मंडपम के मंच पर आए यहाँ उन्होंने देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करने के ढेर सारे टिप्स और सुझाव दिए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं थैंक यू सो मच मोदी जिंदाबाद आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी ये तो अच्छी बात है इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी प्यार बढ़ेगा। तो कश्मीर तो कश्मीर क्या? क्या? तो इन्होंने बेचा ना? कश्मीर चाचा की मोहब्बत खत्म हो गई अब आ रहा है नवाज शरीफ इन शाह आप देखोग बेहतर होगा मेरे बड़ों से ये रिक्वेस्ट है मेरे घर वालों कश्मीर, कश्मीर, तो, कश्मीर, तो कश्मीर तो गया कश्मीर तो गया अब भी इनके हाँ से जा रहे हैं बलोचिस्तान जिस तरह वहाँ निकल रही है ना मुझे लग रहा है ये भी हाथ ऐसी निकल जाएगा मेरी अपनी माओ बहनों ऐसी ये रिक्वेस्ट है की आठ फरवरी को अपने ये पटवारी शोरों को और बेटो को बिरयानी घर में बिरयानी खिलाए ताकि फरवरी फरवरी को को वो बिरयानी बिरयानी पे बिकले बिकले जाए को पकाए दौण दौण स्वें दौण दौण स्वें। चले तो, okay, okay. तो ये जो क्लिप आपने देखा ये इलेक्शन से पहले का क्लिप था और आपको पता ही है पीटीआई और उनके लोग और पीएमएलएन और उनके लोग दुश्मनी आ चुकी हैं जी इनको सियासत में और वो कहते हैं ना पहले छोटे बड़े का अदब होता था और ये देख लिया जाता था यार एक बड़ा बोल रहे छोड़ो बुजुर्ग है छोड़ दो जाने दो बट अब वो सीन नहीं है वो सीन नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें परेशान कौन होती जा रही हैं लोगों के ख़ानदान के खानदान जो हैं वो पर्सनल दुश्मनी में जा रही हैं मैं इतना ही बोलूँगा इस पर चचा ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए क्योंकि वो जो पीटीआई वाले थे वो मोदी के अंगेस्ट बात कर रहे थे और फिर जब उन्होंने बात की नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट तो फिर चचा ने जो है ना ये भी कह दिया कि नवाज़ शरीफ आएगा तो यूँ भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा जो भी आया हो जो भी हल्फ लेते हैं हमें इससे कंसर्न नहीं है हमें चाहिए इस मुल्क की तरक्की और सबके साथ अच्छे रिलेशंस अब चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज़ शरीफ हो चाहे जरदारी हो चाहे बिलावल हो व्हाट्स ओवर देखें जो तरक्की देगा रोज़गार देगा और डेवलपमेंट लाएगा और बिला तमाम जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनस रखेगा हमें वही लीडर काबिल कबूल है लेकिन बात फिर वही आ जाती है वो एक कैटरीना का डायलॉग है ना टाइगर में कि पाकिस्तान का अगला हुक्मरान कौन होगा वहाँ के लोग नहीं इस्टेबलिशमेंट डिसाइड करती है तो किसी हद तक सही है <laughs> बाकी हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया था ये देखें अंगठे पर भी हैं इंक और यहाँ भी निशान लगा हुआ है तो हमने वोट शोट डाल दिया से अभी तक मिट्टी नहीं है पता नहीं क्या लगा कर भेजा है इन्होंने लेकिन देखते हैं क्या होगा हर जगह इलेक्शन का मौसम आया हुआ है सब कॉन्टिनेंट में तो आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा सी यू गाइज